अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आपका आभारी हूं। आप स्वयं अवगत हैं कि सिद्धार्थ नगर और नेपाल की उस तराई में जहां भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए, वहां पे बुद्ध के प्रसाद के रूप में जब बुद्ध जी थे तो काला नमक चावल दिया करते थे, और आज वो काला नमक चावल देश और दुनिया की बाजारों में जिस तरह से बुद्ध के प्रसाद के रूप में हुआ है उसकी मांग बढ़ी। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल कर दिया। आप स्वयं काला नमक चावल के बारे में जानते हैं, जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी हैं, मेरी कंस्टिट्यूएंसी में गए थे, इन्होंने वहाँ काला नमक चावल के बारे में किसानों से सुना और 2700 हेक्टेयर से 15,000 हेक्टेयर हो गया, जियो टैग हो गया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है, निर्यात हो रहा था, लेकिन अभी बासमती को छोड़ के काला नमक पे प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिर वहाँ के किसान ऋण ले रहे थे, वहाँ के किसान सिंगापुर का ऑर्डर होगा, यूरोपियन ऑर्डर होगा, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ कि काला नमक चावल के ऊपर जो निर्यात पे प्रतिबंध लगाया गया है उस प्रतिबंध को समाप्त किया जाए, जिससे किसानों के लिए एक नया जीवन मिल सके और वो उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन में अपना योगदान दे सके। थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब।